निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचेरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मेरा नाम है मोहितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। आज बात उस मुद्दे की जिसको लेकर पूरा भारत दो हिस्सों में बट गया है। कहीं पर आंसू गैस के गोले बरस रहे हैं तो कहीं लाठियां बरस रही हैं, कहीं मोटरसाइकिल और बसों में आग लगा दी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। इस एक्ट का विरोध चालू हुआ असम से, फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देखते ही देखते पूरे भारत में फैला। और अब इस एक्ट के विरोध की आग फैलते फैलते अजमेर भी आ पहुंची है। अजमेर में गुरुवार को एक तरफ विरोध हुआ तो एक तरफ इस एक्ट का समर्थन देखने को मिला। समर्थन और विरोध करने वाले लोग बड़ी संख्या में जुटे। एक्ट का विरोध करने में कांग्रेस के तमाम बड़े छात्र संगठन शामिल हुए, जिसमें छात्रों ने बिल का विरोध कर मोदी सरकार को तानाशाह बताया। सिटीजन्स कलेक्ट्रेट में इसलिए जमा हुए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, जो NRC और CAA जो नरेंद्र मोदी BJP गवर्नमेंट ने इशू किया है, ये और कुछ नहीं है। इस बिल का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की राजनीति है हमारा। लेकिन देश इतना समझदार है, इतनी उसमें समझ है कि इस जो ओछी राजनीति जो BJP वाले खेलना चाह रहे हैं उसको समझ सके। इसका कोई मकसद नहीं है और ये साफ साफ सभी को मालूम है कि ये एक प्रजाति, एक धर्म के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, जो कि कोई भी सिटीजन इस देश का इसका साथ नहीं देगा। आज हम इसी चीज़ का यहाँ विरोध करने आए हैं। कल भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं, कल फिर करेंगे। लेकिन CAA और NRC को हम लागू नहीं होने देंगे। अगर लेकिन सरकार जिस तरह जामिया में उन्होंने जबरदस्ती करी, उसी तरह की जबरदस्ती अगर वापस करने की कोशिश यहाँ भी करेगी, हमें रोक के जबरदस्ती NRC के ऊपर अगर साइन करवाती है तो स्याही पूरे शहरवासियों का खून बनेगी, पूरी इंक, पूरी स्याही शहरवासियों का खून बनेगी। लेकिन इसको हम लागू नहीं होने देंगे। कल भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं, कल फिर करेंगे। विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण यह है कि ये एक प्रजाति को, एक धर्म के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। पहले बाहर के लोगों को नागरिकता देना चाह रहे हैं। इस चीज में कोई तुक नहीं बनता कि आप बाहर के लोगों को बुला के पहले उनके डॉक्यूमेंटेशन कराओ, फिर NRC लागू करके यहाँ के लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बाहर भेजो। इसकी क्या जरूरत है? यहीं के लोगों के डॉक्यूमेंट सही करो, जो यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं उनको सही करो। बाहर से लोगों को बुला के आप उनके डॉक्यूमेंट बनवाओ, उनको नागरिकता दो और यहाँ के लोगों की छीनो, इसका क्या दुख बनता है? कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है BJP, और कुछ नहीं है। इनका शुरू से मोटिव यही रहा है, यहाँ देश की हालत खराब है, यहाँ पे लोग बाग धंधे के लिए जूझ रहे हैं, अपने रोटी पानी के लिए जूझ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था की 12 बजा रखी है पूरी की पूरी, मंदी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है और उन सबको छोड़ के, अपने काम धंधों को छोड़ के हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हमें क्या जरूरत है ये करने की? BJP ने मजबूर किया है, BJP की गलती है। जितने लोग जामिया में मर रहे हैं, दिल्ली में मर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के सड़कों पर उतर आए हैं, तो इसका कारण सिर्फ BJP है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर जाके अपनी कॉलेज जाके पढ़ाई करें, अपना घर चलाएं, काम धंधा करें, कमाएं, घर चलाएं। क्यों उतरे हम सड़क पे? क्योंकि ज्यादती हो रही है और इसका और कोई जिम्मेदार नहीं, अमित शाह, BJP, नरेंद्र मोदी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से एक्ट के समर्थन में सैकड़ों लोगों का हुजूम जुटा। इस हुजूम की शुरुआत आजाद पार्क से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पर खत्म हुई। चलिए आपको दिखाते हैं समर्थन करने वाला जन समूह क्या कह रहा है। आज नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत जो हमारा बिल पास हुआ था उसके समर्थन में आज हमारा जन समर्थन में आज हमारी आज़ाद पार्क से होते हुए, जिला परिषद होते हुए, आज कलेक्ट्रेट पे यहाँ पर हम लोगों ने जन समर्थन हेतु एक रैली रखी गई। निश्चित तौर पर हमारे इसमें समस्त हमारे कार्यकर्ता बंधु, सभी जनप्रतिनिधि, हमारा पूरा अजमेर जिला जो आज एकत्रित होकर हमारे इस बिल को, हम लोगों ने जन समर्थन दिया है, बिल पास हुआ उसके लिए हम लोगों ने जन समर्थन के लिए एक रैली रखी है। राष्ट्र विचार मंच अजमेर की ओर से आज नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन के लिए एक सभा और रैली का आयोजन किया गया। बहुत ही कम समय में, कल सायंकाल हम सब ने अजमेर की जनता से आह्वान किया था कि इस बिल के समर्थन के लिए कल प्रातः आज़ाद पार्क से एक रैली निकलेगी, मार्च निकलेगा। तो अजमेर की जनता ने इसके समर्थन करने के लिए स्वैच्छिक रूप से
बहुत बड़ी संख्या में आज़ाद पार्क में एकत्र हुए। हम सबको ध्यान में ही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जब देश का खंड स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय पर हमारे बहुत सारे हिंदू समाज के लोग वहाँ पर रह गए थे, जो कि लगभग 23% थे। लेकिन गत वर्षों में उन पर इतना अत्याचार हुआ, उनके साथ प्रताड़ना हुई कि आज उनकी जनसंख्या केवल और केवल मात्र 2.35% रह गई है। यानी इतने सारे लोग कहाँ गए, वहाँ उन पर इतने अत्याचार हुए जिसके कारण से या तो उनका धर्मांतरण हो गया या उनकी हत्याएं कर दी गई, उनकी माताओं बहनों के साथ दुराचार किया गया। इसलिए भारत सरकार ने अभी इन तीनों देशों में से, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हों, जैन धर्म के मानने वाले लोग हों, फारसी लोग हों या ईसाई समाज के लोग हों, यदि वो लोग इस देश में आकर के शरण मांगते हैं तो इस देश का दायित्व है कि ऐसे लोगों को संरक्षण दे। और इन्हीं को नागरिकता देने के लिए वर्तमान की राष्ट्रवादी केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पास किया है, जिससे इन लोगों को नागरिकता मिलेगी। पूरे विश्व में इन धर्मों के लोगों को संरक्षण देने के लिए भारत के अलावा और कोई देश नहीं है, वे हमारे ही बंधु हैं। वो यदि यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम भारत सरकार का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और वर्तमान में जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध करने के लिए आगजनी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम उन लोगों को घोर निंदा करते हैं। हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, जो इस देश में रहने वाले हैं वो यही रहेंगे। हम तो केवल जो बाहर से आने वाले हैं उन लोगों के लिए अधिनियम लाया गया है, हम इसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हैं। और इस समर्थन के लिए अजमेर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के जब राष्ट्रवादी काम हो तो उनके समर्थन के लिए स्वैच्छिक रूप से वे लोग इकट्ठा होंगे। इतना ही। जो सभा हुई थी उसमें कौन कौन से संत आए थे? इसमें नरसिंह मंदिर के महंत हैं पूज्य स्वामी श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज, चित्रकूट धाम के पाठक जी महाराज, मनोहरदास जी महाराज उदासीन आश्रम, और सत्यनारायण जी महाराज सीताराम मंदिर। इसके अलावा भी 5-6 संत और थे, ये मुख्य संत आए थे। इनके संतों के नेतृत्व में ही ये सारा हमारा मार्च हुआ और इन सब के आशीर्वाद से हम सब लोग सारे काम करते हैं। धन्यवाद। रामबाबू शर्मा, संयोजक राष्ट्र विचार मंच अजमेर।